एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। आप सोच रहे होंगे आज ही कैसे फेस से इसने शुरुआत करी है ब्लॉग की, तैयार भी नहीं हो रखी, कुछ भी नहीं हो रखा। तो गाइस, सूट मैंने पहन लिया है, ये वाला। तो आज मुझे जाना है ससुराल और ये मेरा बिल्कुल नो मेकअप लुक है, कुछ भी नहीं कर रखा, बस जस्ट नहा के सूट पहना था और अभी आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि मैं आज आपको ये दिखाऊंगी ब्लॉग में कि बहुत लड़कियों की, लेडीज़ों की डिमांड हो रखी थी कि 2 दिन से मेकअप, 3 दिन से मेकअप दिखा रहे हो, अच्छा अच्छा तो उसका ट्यूटोरियल बताओ। तो आज मैं खुद रेडी हो रही हूँ, जो ये इसका ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाऊंगी, इसी जो ये सूट है इससे मैचिंग सब कुछ। तो इसलिए मैं अभी बिना मेकअप के आपके सामने हूँ बिल्कुल, और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप ट्यूटोरियल। तो सारा देखना ध्यान से, मतलब जो मैं अपने ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वही आपको बताऊंगी, बाकी आप अपनी स्किन से रिलेटेड कर सकते हो। मेरी थोड़ी ड्राई स्किन है तो मैं उसके हिसाब से मेकअप करती हूँ। तो स्टे ट्यून, पूरा मेकअप देखना और क्या क्या मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो मैं सारे आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, एक एक चीज़ करके जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर करे व्लॉग, मतलब मेकअप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं व्लॉग में, स्किप मत करना कुछ भी, वरना कुछ भी रह सकता है कि क्या प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है। तो चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरी पूरी वैनिटी, पूरी मेकअप किट रेडी है। ये मेरी शेडोज़ पैलेट है, ये लैक्मे की, ये भी लैक्मे की, ये मिस रोज़ की, ये ग्लैम 21, ये भी मेबलिन की, और ये मेरी मेकअप किट का सारा सामान एंड ब्रशेज। तो मैं जो जो यूज़ करती जाऊँगी वो आपको दिखाती जाऊँगी इसमें से। ठीक है, सो गाइज, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अभी तक फेस पे कुछ भी नहीं किया है, आपको दिखा दिया मैंने प्रोडक्ट्स क्या क्या है मेरे। ये मम्मी का, मतलब रेडी होने का रूम है, छोटा सा अलमीरा है दोनों साइड और बीच में ड्रेसिंग टेबल है, तो मैं यहीं पे रेडी होती हूँ कभी से ही, जब से शादी से पहले ही। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले स्किन को प्रेप करना होता है। क्या करना है पहले ये ले लीजिए, मैं ये वाला फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ, नायका का स्किन पोशन। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती है लेकिन मैंने अपनी ड्राई स्किन के हिसाब से ये वाला लिया है। तो आप इसके कुछ ड्रॉप्स, अभी मैं मॉइस्चराइज भी नहीं करी, सीधा यही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यही सूट होता है, तो मैं ज़्यादा ग्रीसी ना करते हुए सिर्फ यही लगाऊंगी। तो ये देखो, इसको कुछ इस तरह अपने फेस पे ड्रॉप्स, जितनी आपकी ड्राई स्किन है उसकी स्किन के हिसाब से, इसको हर जगह पर ऐसे फिंगर्स से पूरा ऐसे ऑब्जॉर्व हो जाएगी आपकी स्किन में, हर जगह जहाँ जहाँ आपको मेकअप करना है, थोड़ा सा नेक पे भी। ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हो, तो वो अच्छे से ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना क्योंकि वो पैचेस छोड़ देता है। तो अभी मैंने ऑयल लगा लिया, सामने शीशा भी है, मैं वहाँ भी देखती रहूँगी क्योंकि कैमरे में देखने में थोड़ा, और इस चीज़ के साथ साथ मैं ससुराल जाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। तो ऑयलिंग कर ली है मैंने, अब आता है प्राइमर। मैं यूज़ करती हूँ नायका का प्रेप मी अप, कुछ क्वांटिटी लेनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इतना सा ये जेल टाइप में होता है, इसको हाथ में लेके जहाँ जैसे ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज, और स्पेशली जिन, मेरे ओपन पोर्स नहीं है बिल्कुल भी, अगर जिनकी मतलब थोड़ी एज वाली स्किन है या मैच्योर स्किन है या कम एज में भी ओपन पोर्स हो गए, भाई स्किन के इशू सबको होते हैं, तो उन जगह पे आप पोर मिनिमाइज़र लगा सकते हो जहाँ पे आपको लगता है, लेकिन मेरी नहीं है तो मैं पोर मिनिमाइज़र नहीं लगाती, मैं प्राइमर लगाती हूँ बस। तो ये भी पूरे फेस पे अच्छे से, आईज़ के नीचे, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ पे फाउंडेशन फिक्स होने का या जमा होने का डर रहता है वहाँ वहाँ पे आप, ये स्किन को इतना सॉफ्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको फिंगर्स से ही लगा लो, मैं ऐसे ही करती हूँ भाई, हर किसी का मेकअप करने का तरीका अलग होता है भाई। शादी पर अभी मेरे को ससुराल जाने, तो इतना हैवी मेकअप नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आता है, तो मैं ये स्विस ब्यूटी का गोल्डन हाईलाइटर यूज़ करती हूँ, लिक्विड हाईलाइटर। ये फाउंडेशन से पहले आपको लगाना है जहाँ जहाँ पर आपको हाईलाइटेड एरिया होता है, जैसे यहाँ हाईलाइटर लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये चीज़ें हाइलाइटिंग की होती हैं, तो इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, तो ये इनर शाइन देगा आपको, फाउंडेशन के अंदर से शाइन देगा। आप इसको फाउंडेशन के साथ मिक्स भी करके लगा सकते हो अगर आपको पूरे फेस पे लगाना है। तो मैंने हाइलाइटेड एरियाज पे लगा लिया है ये,
तो मैंने ये अच्छे से यहाँ पे कर लिया है इसको ब्लेंड। तो सारी चीजें लगाने के बाद अब बारी है, जैसे ये डार्क सर्कल्स होते हैं सबके, डार्क सर्कल्स हटाने के लिए हम डार्क कलर करेक्टर यूज करते हैं। ये है एल ए प्रो कंसीलर है डार्क कलर का। जैसे मुझे थोड़े से डार्क सर्कल है तो मैं डार्क सर्कल्स एरिया पे लगाऊंगी। बस लड्डू उठ गया था बीच में, तो उसको मम्मी को देख के आई पहले। तो ये डार्क कलर का कंसीलर जहाँ जहाँ डार्क एरिया होता है ना वहाँ वहाँ लगाओ, आईज के नीचे डार्क स्पॉट्स या मतलब डार्क सर्कल्स होते हैं जिसके ज़्यादा हैं, अब उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो ऑरेंज ऑरेंज, तो ये छुप जाएंगी। ठीक है, हल्के हाथों से बिल्कुल डैब ऐसे करना है, बिल्कुल सॉफ्ट। ये हो गया कंसीलर रेडी। और अब बारी आती है, मैं फॉरएवर 52 का ही कंसीलर यूज कर रही हूँ, शेड नंबर है COV001 कंसीलर शेड है ये, मेरी शेड के हिसाब से। अब ये लाइट कलर ही अपनी आंखों के नीचे ऐसे लगाना है ताकि जो आपने कलर करेक्शन किया है डार्क सर्कल्स के लिए और आईज के ऊपर हाइलाइटेड एरियाज, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ कलर करेक्शन किया है यहाँ, ठीक है, भूत आ गया। अब इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरा, एक भी ये नहीं रह चाहिए कि आपका एक फाउंडेशन का भी स्पॉट रह जाए या कंसीलर का स्पॉट दिखे कहीं पे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे 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 ऊपर देखते हुए जो स्किन आंखों के नीचे तक सब कुछ छुप जाए। ठीक है, मैं थोड़ा एड्रेसिंग इसमें देख लेती हूँ। आईज क्लोज करके जो ये वाली साइड होती है ना कॉर्नर्स तक, इसको लेके जाना, तब कॉर्नर में जाएगा। इसको ऐसे हल्का ऐसे आईज क्लोज करके बिल्कुल हल्का हल्का डैब करना ज्यादा। देखो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ना, कंसीलर सेट हो गया है पूरा। अब आती है बारी फाउंडेशन की। ठीक है, ये सिर्फ मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का FLF 005 ये वाला फाउंडेशन यूज करती हूँ। इसके दो पंप बहुत होते हैं, इनफ होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड बस इतना ही बहुत है। ये हाई कवरेज फाउंडेशन है तो इसका इतना ही बहुत है, या तो आप ब्लेंडर से ही इसको ऐसे कर सकते हो। ये लो आंखों के नीचे से, मैंने पहले आई मेकअप नहीं किया, पहले बेस अपना रेडी कर रही हूं मैं। कानों को जरूर कवर करना, यहाँ 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 हर जगह, नोज की यहाँ इकट्ठा हो जाता है फाउंडेशन, तो उसको ब्लेंडर से ऐसे अंदर की तरफ ब्लेंड कर दो ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। पूरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ये देखो दूर से। अब ले लेती हूँ एक मोटी सी ब्रश, जैसे मेरे को लगाना है पाउडर, मैं ये वाला यूज करती हूँ फॉरएवर 52 का एक्सक्लूसिव बनाना पाउडर। इसको हल्का सा इसमें लेकर, नहीं एक्सक्लूसिव पाउडर है, शेड भी है FBE001 मेरे सारे शेड ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो ये जो पाउडर है इसको आंखों के नीचे डैब कर लो, जो आप शेडो लगाओगे और नीचे गिरेगी तो बाद में हट जाएगी। ठीक है, और बाकी बाद में जो लगाना है फेस पे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब मेरा है ये कलर, तो मैं एक ट्रांजिशन शेड लेते हैं जो करनी होती है हमें ट्रांजिशन शेड, तो मैं लूंगी लाइट पिंक कलर क्योंकि इसमें दोनों पिंक, दोनों तरह के पिंक है। मिस रोज की ये पैलेट बहुत अच्छी है, पुरानी है, इसका नाम मिटा हुआ है, मिस रोज बता देती हूँ। पर देखो इसमें सारी मेटालिक शेड है, हर एक शेड मिलेगी आपको। इस लाइट पिंक कलर ये रहा, ये वाला कलर। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हमेशा झाड़ लेना और जरा सा लगा के, जो ये आपकी मेरी आईज छोटी छोटी हुडेड आईज है मेरी, तो ये जो क्रीज होती है ना ये वाली, ये जो होती है इस पे आपको ट्रांजिशन शेड लगानी है अच्छे से स्मज करके सब कुछ करना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ये देखो ऐसे जल्दी जल्दी हाथ चला के ऐसे 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 एक क्रीज क्रिएट करनी है आपको, जो ये दिखे कि हाँ
ऐसे ऐसे दोनों आईज पे एकदम इक्वल ट्रांजिशन करनी है। ये देखो दिख रही है ना, हल्की हल्की पिंक, ज्यादा पिंक नहीं करनी क्योंकि हमें अंदर करना है डार्क कलर। तो इसको अच्छे से इनर कॉर्नर तक ब्लेंड करके, दिख रही है ना ऐसे क्रीज बनी हुई। अब उसके बाद आते हैं, ये डार्क पिंक कलर है तो डार्क पिंक मेरे पास है दूसरा मैट में। ये रहा लैकमे की पैलेट है, ये इसका नाम है इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट लैकमे एब्सोल्यूट की। इसमें है ये वाला डार्क कलर, तो इसको मैं लूँगी हल्का सा एक्स्ट्रा झाड़ के, और ये इधर बीच में बाहर वाले कॉर्नर्स पे और बीच में ऐसे। बाहर जो डार्क शेड होगी तो उससे आईज आपकी बड़ी लगेंगी। अगर आप अपने ड्रेस के हिसाब से कोई और ट्रांजिशन कलर मिल जाता हो, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन ये ले सकते हो, जो लाइट कलर्स होते हैं जैसे ये वाला ऑरेंज, ऑरेंज सा कलर है इसमें ये वाला है, और इसमें इस वाली पैलेट में ये वाला है। तो मेरा आई मेकअप हो गया है डन, बाहर से लाइट अंदर से डार्क। इसमें तो गोल्डन कलर भी है, ये गोल्डन काम भी है, तो मैं करूँगी गोल्डन कलर का भी यूज़। तो मेरे पास अभी है मेटालिक शेडो गोल्डन कलर की, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ऐसे बीच में ऐसे लगा दो तो आपका गोल्डन शिमरी टेक्सचर आ जाएगा। ये देखो ऐसा, स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज। तो अब है काजल की बारी। मैंने ये वाला काजल यूज करती हूँ, रिकोड का है, जो डबल हेड वाला होता है। इधर से काजल है, इधर से आप स्मज कर सकते हो अंडर आई भी, ऊपर से भी और वैसे भी। तो मैं आज लिक्विड लाइनर ना लगाते हुए ये वाला लाइनर लगाऊंगी और इसको आपको स्मज करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो मैं लगा लेती हूँ पहले वो अपर लिप पे, पहले नीचे लगा लेती हूँ, ठीक है? तो अब करती हूँ मैं ऊपर, ये देखो इसको, आईज को ऐसे स्ट्रेच करो, स्मूथली लग जाएगा, ठीक है? और अब इसके इसके साथ स्मच करते हैं, ये देखो, तो आपका एक स्मोकी सा लुक भी क्रिएट हो जाएगा। और आप लिक्विड लाइनर लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। और ये वाला लाइनर हो गया है कंप्लीट, है कलर बार का मस्कारा है डबल वाला, ये वाली पिंक शेड। ये जो है ये स्मॉल आईज के लिए, मतलब जो ज़्यादा बड़ी लैशेस ना करनी हो रेगुलर बेसिस पे, और ये वाला थोड़ा पार्टी शादियों के लिए जो हैवी लैशेस कर देता है। तो अभी मैं आपको हैवी ही करके दिखा, जो डस्ट होता है पहले उसको ऐसे करके झाड़ लो और फिर इसको ऊपर की तरफ, बहुत हाई वॉल्यूम देता है ये वाला। मैं कभी लैशेस लगाती नहीं हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, बाहर से मेकअप कराती हूँ तो ही लैशेस लगती है, वरना मैं घर में नहीं लगाती, और ना लेंसेज। ये देखो दीना वॉल्यूम बढ़िया वैसे ही, और नीचे भी ऐसे ही। ये देखो कितनी हाई वॉल्यूम दे दी है, देखो आपको भी दिख रही होगी। तो आईज हो गई है डन, अब आती है बारी आईज का, हो गया है डन आईब्रोज। मैं आईब्रोज मतलब मेरी बहुत ज़्यादा डार्क ही हैं, बस वो पाउडर वगैरह जैसे मेकअप करते हो वही लग जाता है, तो मैं उसी को रिमूव करती हूँ बस। और शेप मेरी एक ऐसे, बहुतों के कमेंट भी आते कि आईब्रोज वैसी हैं, तो एक शेप ऐसे है मेरी ऊपर उठी हुई, एक है लेटी हुई, तो मैं इसको भी ब्रश से ऊपर उठा देती हूँ हल्का हल्का, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा पाउडर्स होता है वो इससे हट जाता है, क्योंकि आईब्रोज अगर वाइट वाइट रह जाए तो अच्छी नहीं लगती। तो आप मस्कारा से भी इसको हटा सकते हैं, ये एक ट्रिक है। अब बारी है ब्लशर, ये है मेरी ब्लश पैलेट मास्टर ब्लश मेबलिन की। इसमें है चार तीन शेड है और एक हाइलाइटर है। तो पहले मैं कर लेती हूँ, पिंक सूट है तो मैं पिंक लगाऊंगी, ठीक है? हंसना है ऐसे ही, ये जो होती है ना ये चीज, इसको हाईलाइट करना है ऐसे, जितना आपको चाहिए। डार्क चाहिए तो डार्क कर सकते हैं, लाइट चाहिए तो लाइट। और ये हो गया है ब्लशर,
देखो सही है। उसके बाद आती है हाइलाइटर की बारी। हाइलाइटर का पैलेट है मेरा ग्लैम 21 का, इसमें है 6 शेड, मेरी एक शेड टूट गई, गिर गया था ये पैलेट। जो जैसे अगर आपके कपड़ों में सिल्वर काम है तो आप सिल्वर भी ले सकते हो, गोल्डन काम है गोल्डन, रोज गोल्ड है तो रोज गोल्ड, कई तरह की शेड्स हैं ये देखो। तो अभी इसमें गोल्डन काम है थोड़ा सा, तो मैं गोल्डन वाला लेऊंगी शेड। तो चिक्स का ऐसे ही करना, जहाँ पे ये चीज़ होती है ना, ये हाईलाइट करनी होती है, ये ये जब आप हंसोगे तो ये हाईलाइट होंगी, देखो हुई ना, देखो ये देखो बेवजह हंस रही हूँ ये देखो। यहाँ नोज पे आजकल मैं फुल नोज पे करती हूँ, कुछ लोग सिर्फ यहाँ और यहाँ टिप पे करते हैं, तो वो भी कर सकते हो यहाँ यहाँ ज़्यादा, और नोज की कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं यहाँ हाइलाइटेड एरियाज यहाँ लिप्स के ऊपर, जो आपकी लिपस्टिक हाईलाइट रहे। तो मेरा पिंक सूट है तो मैं पिंक लिप कलर यूज़ करूँगी लिप्स को शेप देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली चीज, अच्छे से ध्यान से अपनी जिस तरह के लिप्स हैं उसी तरह से लिप्स वो करना। ये रही है माई ग्लैम लिट कलर, ये बिल्कुल मैचिंग है। आप सब बोलते हो कि कलर की लिपस्टिक लगाते हो, क्योंकि जो मैचिंग होती है वही लगाई जाती है चाहे कोई भी कलर हो। अब इससे बिल्कुल मैचिंग लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, इतनी सॉफ्ट इनकी ब्रशेस, माय गॉड। ये बिल्कुल सूट से मैचिंग लिपस्टिक है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब लगानी है मुझे बिंदी। तो ये लग गई है बिंदी टू कंप्लीट द लुक। और इसके बाद एक चीज़ तो रह गई मेन, ये है सिंदूर, मेरा है कलर बार का लिक्विड सिंदूर, बहुत ही मतलब देर तक चलता है, एकदम मैट है, सूख जाता है। तो मेरी मांग की शेप तो पहले ही और अब ये हो गई है, ये लो ठीक है, मांग भी भर ली है मैंने। कुछ लोग मेकअप फिक्सर भी लगाते हैं, मैं रोज़ वाटर है TNW का ये ही स्प्रे कर लेती हूँ, ज़्यादा मैं फिक्सर लगाती नहीं हूँ। तो इतना दूर से जो आपके फेस पे स्प्रेज आए, बस ये ग्लो लाएगा आपके फेस पे मेकअप में। तो गाइज मैं आपको अपनी फ्रंट लुक दिखाती हूँ कैमरे में से वैसे फुल लाइट में। तो ये देखो कैसी लग रही है मेरी लुक, आपने मेरे को उस ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी देखा था, और अब ये लुक है मेरी मेकअप करने के बाद। या इसका मेकअप है स्मजी और थोड़ा पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, गोल्डन। तो कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लगी ना? अब मैं इसके साथ पहनूंगी पिंक चूड़ा, और वो आपको लुक पूरी जब मैं घर पर जाऊँगी वो आपको तब दिखेगी जब मैं क्या क्या पहन। तो ये था आज का मेकअप का ट्यूटोरियल, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बहुत सारे, क्या कमी लग रही है या कोई न्यू सजेशन देना चाहता है तो प्लीज़ देना, कमेंट करना कैसा है मेरा मेकअप। देखो हाइलाइटर इतना अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, लेकिन जैसे भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। तो बाय बाय, सी यू।